कटिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिंग युक्त कप सिरप की 12 कार्टून भरी हुई खेप बरामद की है। अब हम आपको यह भी बता दें कि यह कफ सिरप कटिहार में कहां से बरामद किया गया है। यह कफ सिरप मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा पेट्रोल पंप के समीप एक मकान से बरामद किया गया है। इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी शशि रंजन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंध कफ सिरप का अवैध कारोबार पिछले कई महीनों से चल रहा है। सूचना मिली थी कि सिरसा के पास एक मकान में एक कोई किराएदार है जो कि अवैध तरीके से जो कफ सिरप होता है, जो बैंड है आज के डेट में, बहुत सारा ला के रखा है और उसको चोरी छुपे बेच रहा है। तो सर, इसी सूचना के आधार पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में जो व्यक्ति वहाँ किराए ले हुआ था वो भागने में सफल रहा, परंतु उसके कमरे की जब तलाशी ली गई तो उसमें काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से 2-3 कंपनीज़ का कोडिंग या जो भी कहते हैं आज के भाषा में वो मिला है। कौन सी जगह है सर ये? सर, सिरसा पेट्रोल पंप के पास है। कौन से थाना अंतर्गत पड़ता है ये? मुफस्सिल थाना के अंतर्गत पड़ता है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी दल बल के साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया है। बताया जा रहा है कि किराए के मकान में इस खेप को छुपा कर रखा गया था। हालांकि किराएदार वहां से फरार हो गए, लेकिन तलाशी के बाद कफ सिरप की बड़ी बड़ी पेटी बरामद की गई। अब पुलिस कारोबार से जुड़े तार को भी खंगाल रही है। मुफस्सिल थाना प्रभारी शशि रंजन ने आगे बताया कि प्रतिबंध कप सिरप के धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा इसके तार कहां से जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इधर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को इन कप सिरपों की जांच करने बुलाई है। बता दें, इस जखीरे में 3 अलग अलग कंपनी के कप सिरप बरामद की गई है।